समंदर में भारत के तेवर देख चीन के उड़े होश। अब लद्दाख में शांति के रास्ते पर उतरा चीन। 6 नवंबर को फिर होगी हाई लेवल मीटिंग। लद्दाख में सर्दियां बढ़ने के बावजूद भारत चीन के बीच तनाव की गर्मी जारी है। चीन युद्ध जैसी तैयारियों में लगातार लगा है। अब दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता 6 नवंबर को हो सकती है। इससे पहले 7वें दौर की सैन्य वार्ता 12 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें पूर्वी लद्दाख में टकराव के बिंदुओं से सैनिकों के पीछे हटने को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला था। दोनों पक्षों के बीच इस साल मई में गतिरोध के हालात बने जो अब तक जारी हैं। सीमा पर तनाव घटाने और चीनी सैन्य बलों की वापसी को लेकर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। 8वें दौर की सैन्य वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन करेंगे, जो हाल ही में लेह की 14वीं कोर के कमांडर बनाए गए हैं। पिछले दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाओं की ओर से जारी किए गए संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा गया था, दोनों पक्ष सैन्य एवं राजनयिक माध्यमों से संवाद कायम रखने पर सहमत हुए हैं, ताकि गतिरोध को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द कोई साझा स्वीकार्य समाधान निकाला जा सके। चीन ने भारत के साथ 8वीं कोर कमांडर स्तर की वार्ता की पुष्टि कर दी है। अब दोनों पक्ष आपसी सुविधा के लिहाज से इसकी तारीखों को अंतिम रूप देंगे। दोनों पक्ष पहले ही 7 दौर की बातचीत कर चुके हैं। समंदर में भारत ने बढ़ाई चीन की चिंता। भारत और अमेरिका समेत दुनिया के 4 प्रमुख लोकतांत्रिक देश हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में मंगलवार से शुरू हुए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिकों के जटिल युद्ध अभ्यास ने चालबाज चीन की चिंता बढ़ा दी है। 4 दिनों तक चलने वाले मालाबार नौसैनिक अभ्यास के पहले चरण के पहले दिन क्वाड के सदस्य देशों की नौसेनाओं ने अपनी सैन्य सहयोग की झलक पेश की। चीन के साथ भारत के तनाव वाले संबंधों के बीच हो रहे इस सैन्य अभ्यास के खास मायने हैं। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय नौसेना अपने डिस्ट्रॉयर रणविजय, फ्रिगेट शिवालिक, ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुकन्या, फ्लीट स्पोर्ट शिप शक्ति और सबमरीन सिंधुराज के साथ भाग ले रही है। इसके अलावा एडवांस जेट ट्रेनर हॉक, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I, डोनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और कई हेलीकॉप्टर उतारे गए हैं। उधर अमेरिकी नौसेना ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS जॉन एस मैकेन, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने हेलीकॉप्टर के साथ लॉन्ग रेंज फ्रिगेट बालाराट और जापानी नौसेना ने हेलीकॉप्टर के साथ डिस्ट्रॉयर उनामी के साथ प्रतिभाग किया है। मालाबार अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में भारतीय और अमेरिका नौसेना ने हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास से की थी। जापान वर्ष 2015 में शामिल हुआ। अब चीन को आई शांति की याद। चीन की चिंता की वजह क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास ऐसे समय में शुरू हुआ है जब लद्दाख में सीमा को लेकर पिछले 6 महीने से भारत और चीन में तनातनी जारी है। अन्य 3 सदस्य देशों का भी पिछले कुछ महीनों से विभिन्न मुद्दों पर चीन के साथ विवाद चल रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता सैन्य दबदबा दुनिया के प्रमुख देशों के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका क्वाड को इस क्षेत्र में सुरक्षात्मक ढांचा प्रदान करने के पक्ष में है, ताकि चीन को रोका जा सके। पड़ोसियों के साथ बेवजह पंगा लेने वाले चीन को शांति की याद आई है। बीजिंग में मालाबार नौसैनिक अभ्यास पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, हमें उम्मीद है कि चारों देशों का सैन्य अभ्यास क्षेत्र में शांति और स्थिरता पैदा करने वाला होगा, न कि किसी के विरोध में।